ایک کلام جو ڈاکٹر شاکر صاحب کی طرف سے فرمائش ہے وہ پڑھ کے جگہ دوں گا، ایک پیغام کے طور پہ اور ایک پیغام ہے تمام مسلمانوں کو، کہیے گا سبحان اللہ کہ دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، صدا کرتے رہنا، خدمت صدا کرتے رہنا، ارے بھول کے کبھی مو چل رہے، خدمت صدا کرتے رہنا، بھول کے کبھی مو چل رہے ماں کا سایہ جو سر پر رہے گا۔
फिरेगी। और ये शेर मुलायदा फरमान है कि उनका एहसान, क्या कहना, उनका एहसान, उनका एहसान कैसे भुला दूं, उनका एहसान कैसे भुला दूं, जिंदगी मेरे कुर्बान माँ पर, उनका एहसान कैसे भुला दूं, जिंदगी मेरे कुर्बान माँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़े भाई शमशाद राही साहब नवाज रहे हैं, अल्लाह इनको और भी तरक्या से नवाज दे। आमीन कैया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाएंगे मुझसे तो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, कि उनका एहसान, शेर को सुनिए, उनका एहसान कैसे कैसे भुला दूं, जिंदगी मेरे कुर्बान पर, उनका एहसान कैसे भुला दूं, होंगे एक बार सवाली अदा कह लीजिए सुभान अल्लाह। बस एक मतलब आप हजरत के बयान के मुस्तफी होने शुरू कर देंगे, आप लोग कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मुझ पर तकदीर जो कलाम हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि इस पद को जरूर पढ़ लीजिएगा, कि मुझ पर तकदीर तैबा, मुझ पर तकदीर तैबा अगर ले गई, अरे ये न पूछो वहां से मैं क्या ना, मुझ पर तकदीर तैबा अगर ले गई, ये न पूछो वहां से मैं क्या ना, सब गुंबद के मैं बैठ कर सामने, सब गुंबद के मैं बैठ कर हर नजारा नजर में बसाना, सब गुंबद के मैं बैठ कर हर नजारा नजर में बसाना, खार ले आ, खार ले आ, रगन के लिए खाक देवा, कफन के लिए खाक देवा, अपने कफन के लिए बंद गोभी में भी जिसने कदमा पड़ा, बंद बूढ़ी में भी जिसने कदमा पड़ा, ऐसे कंगन